और भाई जी से पूछते हैं इनके जो बॉक्स वगैरह नीचे से जो कंबाइन वगैरह जाती हैं अंडरपास हैं इसके बारे में कुछ सवाल करते हैं भाई जी से और ये बताएंगे इसके बारे में कि ये किस वजह से क्या काम आता है, पुल में इसका क्या काम होता है। तो हम पूछते हैं यहाँ पर जो कर्मचारी है उनसे इसके बारे में इसका क्या काम होता है। हाँ जी इसके बारे में बताइए जी। इसमें क्या जो गैस पास हो जाती है तो दीवार फटने का डर नहीं रहता है। अच्छा जी। साइड में क्या जो फिल्टर मीडिया माल डलता है मिट्टी डलती है। अच्छा जो चौक हो जाए। अच्छा जी ये काम होता है। अच्छा जी। दीवार के पास में कॉन्क्रीट का माल ही डलेगा मिट्टी नहीं डलेगी। फिल्टर मीडिया जिसमें क्या मिट्टी डलती है तो गैस पास नहीं होने का डर रहता है। बिल्कुल गैस पास नहीं होगी। और कॉन्क्रीट होती है ना तो कॉन्क्रीट में आसानी गैस पास हो जाता है। अच्छा और गैस पास होगी तो दीवार फटेगी नहीं। अच्छा जी। जब भी किसी चीज में अगर गैस नहीं निकलती है वो फटेगी। बताइए मकान दीवार घर की दीवार हो या मकान की हो या पुलिया की हो उसमें गैस निकलना जरूरी है। ये जितने भी दे रखे हैं एक एक मीटर दे रखे हैं वो। अच्छा जी। ये सभी हैं गैस निकलने के लगा रखे हैं पाइप। अच्छा जी। ये सब ठीक। ये देख रहे हो गाइस आप कितनी मेहनत से काम करना पड़ रहा है। एक रोड का निर्माण करने के लिए एक्सप्रेसवे का जो उसका निचले लेवल का काम होता है उसमें हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये भाई कितनी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। और दोपहर का समय है बहुत ज़्यादा गर्मी है और देखो ये प्लेट हैं जो उठा रहे हैं ये कितनी हैवी हैं। और हमें तो ये एक्सप्रेसवे मिल जाते हैं लेकिन इन्हें देखो इनसे पूछो ये कितनी मेहनत कर रहे हैं। इंफ्रा प्रोजेक्ट है और ये काम है जो KCC बिल्ड कौन कंपनी है उसके दिन ये पैकेज 2 का काम चला हुआ है और पैकेज 1 का भी काम KCC बिल्ड कौन कंपनी के पास है और नंबर 2 का CDS कंपनी के पास है पैकेज। हम अभी फिलहाल पैकेज 3 पर खड़े हैं। ये लोग 400 चैलेंज नंबर 74400 पर हम खड़े हैं। ये आप सुमित एक बार चैलेंज दिखाओ 74 नंबर 400 का ये पुल है जिस पर हम खड़े हुए हैं। 74400 इस पुल की 47 मीटर के आसपास लंबाई है, 6 मीटर चौड़ा है और 4 मीटर इसकी हाइट है। इसके अंदर पानी के लिए भी जो खेतों का पानी इधर से उधर जाता है उसके लिए भी वो पुलिया का निर्माण किया गया है। कोई परेशानी नहीं है, सारा पानी सरपास हो जाएगा इधर से उधर। और भाई जी से पूछते हैं इनके जो बॉक्स वगैरह नीचे से जो कंबाइन वगैरह जाती हैं अंडरपास हैं इसके बारे में कुछ सवाल करते हैं भाई जी से और ये बताएंगे इसके बारे में। हाँ भाई जी, इस बॉक्स के नीचे से जो कंबाइन मशीन है हमारी वो निकल जाएगी? वो आराम से निकल जाएगी। इसका 6 मीटर चौड़ाई है और 4 मीटर हाइट है। अच्छा जी। कंबाइन आराम से चले जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रैक्टर ट्रॉली अंडरपास है, ये खेतों में जाने का रास्ता है जिसमें खेतों वालों के लिए स्पेशल बना है। अच्छा जी। जो इधर से इधर किले पे आएगा वो अपनी कंबाइन लेके आएगा खेत में। अच्छा जी। ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आएगा तो सभी व्हीकल इसमें निकल जाएंगे। इसकी 4 मीटर तो हाइट है, 6 मीटर इसकी चौड़ाई है। आने जाने में कोई किसी परेशानी नहीं होगी। अच्छा जी। जो ये अपना जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे बन रहा है तो जो सभी जगह ऐसे ही बॉक्स बनाए जाएंगे इतनी इतनी हाइट की? अगर ये अग्री खेतों के लिए है स्पेशल, खेतों के लिए जिस प्रकार का रास्ता है जितना बड़ा रास्ता होगा उस हिसाब से ये बॉक्स बनेंगे। अच्छा जी। बड़ा रास्ता होगा तो उसमें बड़ी LUP बनेगी। अच्छा जी। उससे छोटा बनेगा तो उसमें SUP बनेगी और उसमें इससे भी छोटा है तो उसमें कलवर्ट बॉक्स बनेंगे। 6x4 का बॉक्स बनेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। सब अंडरपास है जो कंबाइन भी निकल सकती है खेतों वालों के लिए। अच्छा जी। और अपने जो निजी व्हीकल है ट्रैक्टर ट्रॉली वो कोई आने जाने में दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और है जी। जैसे जो खेतों का पानी है इधर से उधर जाता है साइड में तो उसके लिए क्या प्रबंध है? उसके लिए छोटे बॉक्स बना रखे हैं। अच्छा जी। 2x2 के। अच्छा जी। इससे कम हाइट में होते हैं, 2 मीटर चौड़ा होता है, 2 मीटर ऊंचा होता है। अच्छा जी। वो पानी वानी निकासी के लिए रहता है। अच्छा जी। जहाँ भी पानी का निकास होगा तो उस बॉक्स के निकल जाएगा। अच्छा जी। आसानी से निकल जाएगा, कोई से निकल जाएगा, वो ढाल वाल देख के उस हिसाब से बनाते हैं सब। अच्छा जी। और चलो जी, और तो मैंने आपसे पूछ ही लिया, कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये? हाँ, 2024 में चालू हो जाएगा। और जिस हिसाब से काम चल रहा है ना उससे संभावना ये हो रही है कि जल्दी हो जाएगा 2024 में भी। अच्छा जी। और बढ़िया है। और हमने काम SUP भी बनाते हैं, LUP भी, MNP भी और कलवर्ट बॉक्स भी। हमारा काम अभी फिलहाल दिल्ली का ट्रैक एक्सप्रेस वे पे चल रहा है। अच्छा। इससे पहले हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे काम किया था। अच्छा, दिल्ली मुंबई पर भी कर चुके आप? अच्छा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। अच्छा जी। अब दिल्ली मुंबई का भी थोड़ा सवाल आ गया इसमें, वो कब तक चालू हो जाएगा? वो तो बहुत जल्दी शायद
वो लगभग थोड़ा सा काम अटक रहा है, वो चालू हो जाएगा जल्दी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, जो बड़े काम होते हैं। अच्छा जी, वो है। अच्छा जी, चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको ये बताने के लिए।